जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नया बदला हुआ है, एक पॉजिटिव बदला हुआ है। तो उसमें जो मैनेजमेंट में बदला हुआ है और उसके बदौलत आने वाले समय में कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है कि नहीं, इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर बाद में इसमें जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है या जो नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सारे मुद्दों को कवर करेंगे। शुरू से करते हैं। देखिए, अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो 1.31 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2.5% के आसपास देख सकते हैं गिरावट के साथ, क्योंकि आपको पता है इंडियन इंफोटेक में काफ़ी दिनों से गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में तकरीबन 5% के आसपास से स्टॉक आपको टूटते हुए नजर आएगा, और ग्राफ पर भी देखेंगे धीरे धीरे स्टॉक डाउन ही जा रहा है। वहीं पर पिछले एक मंथ की बात कर लें तो एक मंथ में तकरीबन 4.5% के आसपास से स्टॉक टूटते हुए आपको नजर आएगा, और खासकर 12 मई के बाद से स्टॉक में जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिला है। पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक तकरीबन 40% के आसपास आपको टूटते हुए नजर आएगा, लेकिन अभी देखेंगे कि जितना टूटना था टूट चुका है। अप्रैल के बाद से जब लंबी अवधि के चार्ट पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि एक रेंज अमाउंट में स्टॉक आपको घूमते हुए नजर आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही इस कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलेगा, इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, जिसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, इस कंपनी के नाम में सॉफ्टवेयर लगा है, यानी कि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि एक कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जबकि आपको पता है मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस सभी वीडियो में लगभग बताया है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है, ये एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि बैंक की तरह काम करती है, लोन प्रोवाइड कराती है, और उससे जो इस कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है उससे इस कंपनी की कमाई होती है। लेकिन नाम में सॉफ्टवेयर लगा है तो इसको लेकर लोगों को मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था। अब वो कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है, खासकर इंडियन जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज होते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, उस तरह के एक्टिविटीज में इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी इन्वॉल्व है। यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी चेंजेस किया गया है, कंपनी का काम जो चेंज कर दिया गया। पहले यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंपनी इन्वॉल्व है, इसको यहाँ पे नहीं बताया जाता था, यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से अब इसमें इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। और दो और मेजर इंप्रूवमेंट अभी इसमें होने बाकी हैं। एक तो आपको पता है कि कंपनी के नाम से सॉफ्टवेयर हटाना है, क्योंकि आपको पहले से भी पता है कंपनी के नाम चेंजेस होने हैं, लेकिन नाम में अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द इस कंपनी का नाम भी चेंज होते हुए दिखेगा और इसमें से सॉफ्टवेयर हटाया जाएगा, क्योंकि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है। और दूसरी जो सबसे मेजर चेंजेस होने हैं वो ये होने हैं कि कंपनी को अभी एनएससी पर भी लिस्ट कराया जाना है। अभी ये कंपनी सिर्फ बीएससी पर लिस्ट है, और आपको पता है कि जब एनएससी पर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो इसमें और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि नए नए खरीदार इस कंपनी में आने लगेंगे, और उसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये दो और मेजर चेंजेस होने हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे इस कंपनी के चार्ट पर, और चार्ट पर समझने का प्रयास करते हैं कि अभी इसमें क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है, जो 2 रुपये का लेवल है, 2 रुपये के आसपास का जो लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था इस कंपनी के लिए। यहाँ पर लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2022 का एरिया है, यहाँ पर इसने अपने 2 रुपये के सपोर्ट को ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे आ गया। नीचे आया तो ये जो 1.5 रुपये का लेवल था, इसको ब्रेक करते हुए इससे भी नीचे आएगा। यहाँ पर 1.5 रुपये के लेवल के पास आके इसने ठहरा नहीं, यदि यहाँ पर ठहर गया होता तो प्राइस इसके नीचे नहीं जाता, लेकिन अब ठहरा नहीं, प्राइस इसके भी नीचे आ गया, और तो अभी प्राइस 1.5 रुपये के नीचे आपको मतलब कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपको देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये प्राइस 1.5 रुपये से लेकर 1 रुपये इसी के बीच में काफ़ी दिनों से घूम रहा है, तकरीबन फरवरी से ही घूम रहा है। अब क्या हो सकता है, चूँकि कंपनी के मैनेजमेंट में लगातार आपको अच्छे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, और अभी इस कंपनी के Q4 का नंबर भी आने बाकी हैं। Q4 के नंबर यदि अच्छे आते हैं, जो कि उम्मीद भी है कि अच्छे आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जिसके बदौलत मेरा मानना है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इस कंसोलिडेशन से जैसे बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, और ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो सीधे ये जो 2 रुपये का लेवल है यहाँ तक आएगा, और लेवल पर कुछ दिन ठहरता भी है तो यहाँ से ठहरने के बाद प्राइस सीधे ऊपर निकलेगा, और फिर 3 या 4 रुपये तक जाते हुए आपको इजीली दिख सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड यदि इन्वेस्टमेंट है और पैसा लगाए हैं, अब बढ़िया यही रहेगा कि आप इसमें से बाहर मत निकलिए, इतना दिन धैर्य रखें तो थोड़ा और धैर्य रखिए, इस कंपनी के दिन बहुरने वाले हैं, तो आपको अब इसमें धैर्य रखना है, इंतजार करना है, अच्छे दिन इस कंपनी के आने वाले हैं, आप बेशक थोड़ा और पेशेंस रखिए, इंडियन इंफोटेक आपको नाराज नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।